हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके सी टेट के मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैथमेटिक्स में एक सवाल आपसे पैडागोजी में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो पेपर वन की बात करें या पेपर टू की बात करें, कम से कम एक सवाल और दो सवाल भी बहुत हद तक पूछे जाते हैं। वो सवाल क्या है दोस्तों? आपसे सवाल पूछा जाता है गणित के प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ मैथ्स के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे सवाल पूछे गए हैं मैथ पैडागोजी के सीटेट में, और नेचर ऑफ मैथ्स क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। इस वीडियो के बाद कम से कम आपके दो नंबर कन्फर्म समझ जाइए मैथ में, अगर आप इसको समझ गए तो। आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करी जाएगी, डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दो नंबर की तैयारी करते हैं सीटेट मैथमेटिक्स पैडागोजी की। जो आपका पैडागोजी का प्रश्न आता है उसे हम दो नंबर के सवाल आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर मैथ के नेचर्स की बात करें, दोस्तों इसके प्रकृति की बात करें, तो ये वो पॉइंट है जिससे आपसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन पहले इसको देख लेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे, आपके जो भी प्रैक्टिकल जो भी सीटेट में सवाल पूछे गए हैं उस पर। तो सर दोस्तों पहला है नेचर ऑफ मैथ में डिडक्टिव, निगमनात्मक। अब इसको ज़रा समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग मैथ की बात करें तो डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों होता है, मतलब हम दोनों तरीके से बताते हैं। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ मैथ्स की बात करें तो ये इंडक्टिव होता है दोस्तों, सॉरी डिडक्टिव होता है, निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव जब हम किसी रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा मैथ सॉल्व कर रहा होता है तो वो पहले फॉर्मूला उसको पता होना चाहिए, पहले उसको रूल पता होना चाहिए दोस्तों। उस रूल के बाद वो क्या करेगा, वो एग्जांपल्स की तरफ जाएगा या रूल के बाद से वो डिसीजन की तरफ जाएगा। तो इसी नेचर्स को हम क्या कहते हैं, इस नेचर को कहते हैं डिडक्टिव कहते हैं। डिडक्टिव का मतलब पहले रूल, पहले नियम, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। तो मैथ में अक्सर आप देखेंगे जब भी आप किसी को सॉल्व करते हैं मैथ को, तो आप पहले सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, रूल्स लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, थियरी लिखते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मैथ की नेचर की बात करें दोस्तों, तो मैथ के नेचर यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव होता है, यानी निगमनात्मक होता है। दूसरा दोस्तों मैथ क्या है, गणित क्या है? गणित एक भाषा है। गणित क्या है? तो भाषा है, गणित को भाषा कहा गया है। गणित में मापतौल की भाषा कहा गया, गणित को वैज्ञानिक भाषा कहा गया, गणित को खुद में एक भाषा कहा गया है। ठीक है, तो गणित की एक नेचर ये है दोस्तों कि गणित एक भाषा भी है, एक लैंग्वेज भी है। दूसरा दोस्तों एक यूनिवर्सल है। मैथ क्या है? यूनिवर्सल है, एक ऐसी चीज़ नहीं है मैथ केवल आपको इंडिया के किसी एक स्टेट में पढ़ाई जाती है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है। तो ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सटीक है दोस्तों, प्रिसाइज है, मतलब इसकी एक्यूरेसी सटीक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी को 5 रुपये देने हो, 5 फिर इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, 5 का मतलब 5 है, सटीक है। अच्छा एक और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, इसकी सटीकता की बात करें, इसकी प्रिसाइज की बात करें, तो अगर मैं 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब आपको अच्छा ऐसा करो आज के लिए 5 कर लेते, तो नहीं कर सकते। मैथ बिल्कुल सटीक है, प्रिसाइज है, 2 और 2 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। समझ में आ गया? वस्तुनिष्ठ होती है दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्टिव्स होती है, इसमें भी कोई सुभाग नहीं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है चाहे हम बताएं या आप बताएं, मैथ की एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि 5 + 5 = 10 होगा, तो अगर चाहे हम बताएं या कोई और बताए तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा भाई, वो 10 ही होगा। अब एक और सवाल दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पदानुक्रम, हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने क्लास 1 छोड़ दिया तो फिर आपको क्लास 2 के मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। चाहे मैथ के अगर कोई मान लीजिए टॉपिक चल रहा है, आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया तो सेकंड लेक्चर में प्रॉब्लम होगी। एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये इसकी जो एक और नेचर होती है कि ये क्या होते हैं, हाइट भी इसके अंतर्गत होती है। ये कैसे ऊंचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये ऊंचा ऊर्ध्वाधर जाता है दोस्तों, वर्टिकल होता है। इसकी इक्वेशन क्या होता है, वर्टिकल, हमेशा ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे आपने बच्चे को 2 पढ़ाया, पहले प्लस पढ़ाया, फिर पहले प्लस पढ़ाया, फिर माइनस पढ़ाएंगे, सब मल्टीप्लीकेशन पढ़ाएंगे, गुणा पढ़ाएंगे, भाग पढ़ाएंगे, स्क्वायर पढ़ाएंगे, क्यूब पढ़ाएंगे, तो ये क्या ऊपर की तरफ जाता है, लीनियर मोशन नहीं होता है इसकी। मैथ की प्रकृति क्या होती है, वर्टिकल होती है, लट्टू नुमा होती है, या ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरा दोस्तों संचयी होती है, यानी कि कम्युनिकेटिव होती है दोस्तों। कम्युनिकेटिव संचयी का मतलब होता है दोस्तों कि आप इसको बता सकते हैं किसी को, इसके बारे में किसी की जानकारी दे सकते हैं, कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके कुछ हल निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों अमूर्त होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है। मैथ वास्तव में अमूर्त होती है, लेकिन आपको पढ़ाना मूर्त तरीके से होता है। मैथ जैसे अगर 2 है, मान लीजिए 2 है, तो 2 केवल 2 का मतलब क्या है, 2 दिखता नहीं है आपको, 2 एक संख्या है, ये अमूर्त है। अगर 2 आम कहेंगे तो 2 आम दिखेगा आपको, लेकिन 2 क्या है, एक अमूर्त है। मैथ क्या है, एक अमूर्त चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों मैथ के नेचर के बारे में बात।
अगर आप इसे सवाल देखेंगे तो इसे सवाल आपको बिल्कुल इसी से मिलते जुलते आएंगे, और सीटेट में इस पॉइंट को अगर याद रखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट से आपके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से, ये सारे सीटेट के सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा? प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों द्वारा संबंध को देख कर उनके पहचान करके गणितीय ज्ञान बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गणित सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और बातचीत शामिल होती है। मैंने कहा था ना कि गणित एक लैंग्वेज भी होता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि गणित एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रह के भी गणित को सीखा जा सकता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों, तर्क गणित सीखने का एक महत्वपूर्ण, अच्छा एक पॉइंट मैंने मेंशन करना भूल गया था कि गणित क्या लॉजिकल होता है, गणित के अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है, लॉजिक इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तर्क गणित सीखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, कक्षा में गणित समझ पैदा करने में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती। लास्ट पॉइंट यहाँ पे गलत दे दिया है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कर दिया, गलत दिया है। जैसे पहला पॉइंट बिल्कुल सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसी बात नहीं है कि संस्कृति की भी भूमिका होती है, समाज की संस्कृति की होती है। तो इससे बच्चे और ज़्यादा मैथ सीखते हैं। तो इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो कौन सा, इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। इसमें कौन सा सही दोस्तों, पहला दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पे सही हैं, और इसी तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। चलिए एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिएगा कि मैथ क्या होता है, लॉजिकल होता है, क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल होता है। अब आइए, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैथमेटिक्स नेचर। गणित अपनी भाषा है, बताइए है कि सही है कि नहीं, बिल्कुल है। किसी भी गणित समस्या का हमेशा एक ही समाधान होता है, यहाँ पे इस चीज़ को ना, गणित एक अमूर्त अवधारणा है, बिल्कुल अमूर्त अवधारणा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहे एक ही समाधान होता है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही समाधान हो, एक ही तरीके उसकी उत्तर की बात करता तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे समाधान की बात कर रहा है कि एक ही तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं, अगर उसको हल करना चाहे तो एक ही तरीका होता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। कह रहा है निम्न से कौन सा सही है, तो इसमें दोस्तों ए और सी सही है, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अगला सवाल देखिए। तो मैथ की प्रकृति के बारे में कौन सा ये नहीं है दोस्तों, मैथ का कौन सा इस कथन सही है, गणितीय अवधारणा को श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, हेरारिकल, श्रेणीबद्ध का मतलब हेरारिकल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ के, बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही है। गणित आगमनात्मक तर्क पर आधारित है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया था निगमनात्मक बताया था, मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको डिडक्टिव बताया था, आगमनात्मक नहीं बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको निगमनात्मक डिडक्टिव बताया था। डिडक्टिव इसका क्या होता है दोस्तों, इसका नेचर डिडक्टिव होता है, आगमनात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला इसका सही नहीं होगा, ये वाला आंसर। गणित अवधारणा अमूर्त प्रकृति को होती है, बिल्कुल अमूर्त होती हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। गणित के प्रतीक शब्द और भाषा अपना सेट होता है, गणित की अपनी भाषा होती है, अपना प्रतीक होता है, अपना सेट होता है, ये सही है। ये जो दूसरा ऑप्शन था ये बिल्कुल क्या है, गलत है, तो यहाँ पे गलत ही निकालना था, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित से डरने का उचित कारण, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पूछता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पूछ दिया आपसे, बच्चे मैथ से अक्सर डर जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहला है दोस्तों गणित का संचय प्रकृति, दूसरा गणित का प्रतीकात्मक भाषा, मूल्यांकन के तरीके और पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, शिक्षार्थी की गणितीय अक्षमता। अब इन तीन ऊपर के तीनों विकल्प में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के तीनों विकल्प के को गणित के बारे में बताया गया कि गणित एक संचित प्रकृति की होती है, गणित एक प्रतीकात्मक भाषा के रूप में होती है, गणित के पाठ्यपुस्तक थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, ये तीनों गणित के बारे में कहा गया। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि शिक्षार्थी का, विद्यार्थी की जो गणित पढ़ने का होता है ना, वो क्या होती है, वो बच्चा पढ़ने में अयोग्य होता है, उसकी अक्षमता होती है, वो सक्षम नहीं होता। तो यहाँ पे विद्यार्थी को नेगेटिव दिखा दिया गया है, विद्यार्थी को गलत बता दिया गया, तो यहाँ कह रहा है कौन सा कारण नहीं है दोस्तों, तो हमेशा विद्यार्थी कभी कारण नहीं हो सकता न पढ़ने का, विद्यार्थी की कैपेबिलिटी, उसकी टैलेंट कभी हम दोष नहीं दे सकते, तो इसीलिए हमारा लास्ट विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, ओके, कौन सा इसकी प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यह अंतरिक्ष परिणाम और माप का विज्ञान है, बिल्कुल है, बिल्कुल है दोस्तों, माप का विज्ञान है, परिणाम का विज्ञान है। गणित ज्ञान सटीक व्यवस्थित एवं तार्किक होती है, नो डाउट होती है, बिल्कुल होती है, नो डाउट। गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बताया था परिभाषित है, स्पष्ट है, ठीक है।
गणित के सभी अभिगृहित और अभिगृहित सिद्ध तथ्य हैं, या इसको समझ जाइए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया, कह रहा है कि ऑल द एग्जिम्स एंड द पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट इन मैथमेटिक्स। देखिए, सारी चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं। आप कई बार मैथ्स में क्या करते हैं, परिकल्पनाएं कहते हैं, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू बी या दिस इज इक्वल टू बी, कई बार आप मान लेते हैं उस चीज़ को, वो क्या होता है, प्रूफ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पाई की वैल्यू लें, तो पाई की वैल्यू आप मान लेते हैं 3 = π = 22/7। वास्तव में ये 22/7 नहीं होता, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होती है, 3.141 कुछ अन्य अंकों तक होती है, लेकिन हम एक तीन अंकों तक मान लेते हैं। तो हर एक चीज़ प्रूफ नहीं होता, कुछ चीज़ें हमको मानना पड़ता है। तो इसमें सवाल क्या कह रहा था, कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों चौथा विकल्प हमारा सही नहीं होगा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, गणितीय अवधारणा के बारे में बच्चे को पिछले ज्ञान का आकलन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि उसके पहले को कितना उसका मालूम है, पिछले ज्ञान का आकलन, पहले ये जानना कि उस अभी तक कितना वो जानता है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई पढ़ा रहे हैं, गुणा पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले ये चेक करेंगे क्या इसको प्लस आता है, क्या इसको टेबल आता है। तो ये क्यों आप चेक कर रहे हैं, ये क्यों चेक कर रहे हैं भाई, इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, एक हायरार्किकल होता है मैथ, पदानुक्रमित होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है, ठीक है। यही यहाँ पे कह रहे हैं, गणित तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, इसलिए नहीं चेक करते, गणित को याद करने की बात नहीं कर रही। गणित अन्य विषयों के साथ एकाकृत तो है, नो डाउट गणित अन्य विषयों के साथ एकाकृत है, लेकिन यह लॉजिक नहीं है कि हम उसको पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। यह योगात्मक मूल्यांकन का सहायक होता है। गणितीय अवधारणा प्रकृति में पदानुक्रमित होती है, मतलब हायरार्किकल होती हैं, इसलिए हम पहले का नॉलेज, पूर्व ज्ञान चेक करते हैं ताकि हम उसको उसी से जोड़ के आगे पढ़ा सकें। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट, एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन। गणित ज़्यादातर अमूर्त अवधारणाओं वाला अनुशासन है, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था अमूर्त अवधारणाएँ होती हैं गणित की, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गणितीय समस्याओं को हल करने का एक ही सही तरीका होता है, ये वाला थोड़ा सा देखिए, एक ही सही तरीका हो या कई तरीके होते हैं। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें भी गणित का ज्ञान होता है। अच्छा, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं फिर भी अगर वो दुकान चला रहे हैं ना, उनका प्लस माइनस बहुत अच्छा होगा। अगर वो किसी बिजनेस में है तो उनको प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छा होगा। अगर कोई शेयर मार्केट ट्रेड में है तो उनको टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल गणित का ज्ञान नहीं है, ये बात की संभावनाएँ होती है। जो गणित नहीं भी पढ़ा है ना, उसको भी गणित का ज्ञान होता है, तो ये विकल्प सही लग रहा है। गणित की अधिकांश उपशाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं, गणित की अधिकांश उपशाखाएं, जैसे मैथ्स के जो भी उपशाखाएं, चाहे वो अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, बीजगणित, ये सारी मैथ्स की उपशाखाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, ये बात सत्य है। हमें निकालना है दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य नहीं होगा, क्योंकि यह एक ही नहीं, कई तरीके से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गणित अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, फिर से प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है, गणितीय अवधारणा अमूर्त प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल सही, इस चीज़ को याद रखिएगा, इन चीज़ को बहुत आपको काम में आने वाला है, क्या होती है, अमूर्त रूप से होती हैं, गणितीय क्या होती है, अमूर्त रूप से होती हैं। गणित की अवधारणाएं एक रैखिक रूप होती हैं, ओके, कोई डाउट है दोस्तों, गणित की अवधारणाएं एक रैखिक रूप होती हैं, एक रैखिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणितीय अवधारणा तार्किक प्रकृति की होती है, गणितीय अवधारणा निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती है। यहाँ पे एक रैखिक की बात की जा रही है, एक रैखिक, हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि ये लीनियर होती है, रैखिक नहीं होती है, ये क्या होती है, वर्टिकल होती हैं, हायरार्किकल होती हैं, ये लीनियर नहीं होती हैं, ये दोस्तों लीनियर नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, ऊंची की तरफ जाती हैं, लीनियर नहीं होती हैं, तो इसलिए इसका नहीं, मतलब आपका सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से प्रकृति के बारे में अगर कुछ सवाल पूछता है, मैं आशा करता हूँ आप लिख लेंगे। चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ये बस चेक कर रहा था कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, फिर हम अगले वीडियो में कुछ और मैथ्स कैसे टॉपिक देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो में पढ़ते हुए चलेंगे। गणित के में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इनकी अवधारणाओं के बारे में, प्रकृति में सार, प्रकृति में पदानुक्रम, प्रकृति तार्किक, कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है दोस्तों मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, लेकिन यहाँ कंक्रीट कह रहा है, गणित की प्रकृति एब्स्ट्रैक्ट होती है, ना कि कंक्रीट होती है, इस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, मैंने शुरू में ही इस पॉइंट को मेंशन किया था कि इसकी अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसी का बिल्कुल अपोजिट जो होता है दोस्तों, इसी का अपोजिट होता है कंक्रीट, यानी कि मूर्त। तो इसमें पूछ रहा नहीं है, तो ये वाला विकल्प आपका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके,
चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको मैथ के नेचर्स के बारे में बताऊं, ये यकीनन सहायक होगा दोस्तों। आपने क्या पॉइंट देखा, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। पहला दोस्तों, ये नेचर की बात की जा रही है, मैथड्स की बात नहीं की जा रही, नेचर की बात की जा रही। अच्छा, मैं जाते जाते आपको मैथड्स के बारे में बता दूँ कि इसके दोनों मैथड यूज़ होते हैं। प्राइमरी में इंडक्टिव होता है और हायर क्लास में डिडक्टिव होता है। शुरू शुरू में हम आगमनात्मक से पढ़ाते हैं, बाद में हम निगमनात्मक से ये पढ़ाते हैं। लेकिन मैथ की एक्चुअल जो नेचर की बात की जा रही है वो दोस्तों निगमनात्मक ही होती है, डिडक्टिव की होती है। भाषा होता है लैंग्वेज के, गणित एक अपने आप में भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है, वो परिणाम बताता है, वो दिशा बताता है। सार्वभौमिक होता है, प्रिसाइज होता है, अवस्थनिष्ठ होता है, हायरार्किकल होता है दोस्तों, ऊंचाई की तरफ जाता है, और कम्युनिकेटिव होता है, अमूर्त होता है, और एक और चीज़ लिख लीजिए लॉजिकल होता है। क्या होता है? लॉजिकल होता है, और इसकी एक से कई अधिक विधियां हो सकती हैं सॉल्व करने की। तो ये दोस्तों थी टोटल पॉइंट्स आपके इस वीडियो में, याद रखिएगा, समझ जाएगा, पेपर देने जाएंगे एक सवाल तो आपको कम से कम इससे मिलेगा ही मिलेगा। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आपका खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।